नमस्ते प्रधानमंत्री सर, मैं दर्शना काटेलिया, केजीबीवी उंटावत, तहसील कुकरमुंडा, जिला तापी से बात कर रही हूँ सर। बताइए, जो सारी बातें हुई उसमें से आपकी तरफ से मुझे क्या कहना है, सुनाइए। हाँ जी सर, मैं अगर अपने अनुभवों के बारे में बात करूँ सर, तो राज्य सरकार में शुरू किए गए इस नए उपक्रमों के वजह से मुख्यत्व शिक्षक एवं विद्यार्थी की सहूलियतता बढ़ी है सर। एवं बात करूं मैं सर, तो एकम इकाई कसौटी तथा क्षेत्रांत कसौटी की वजह से सतत एवं सर्वग्राही मूल्यांकन शक्य हुआ है सर, तथा विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से प्राप्त विद्यार्थी मूल्यांकन की सारी माहिती एक ही जगह से हमें प्राप्त होती है सर। इसी वजह से हम उनका रिपोर्ट कार्ड तथा परिणाम पत्रक बनाने में बहुत सरलता हुई है सर। तो एक बात बताना चाहते हो सर कि इसे हमारा कार्यबोझ बिल्कुल बड़ा नहीं है, बल्कि कार्यबोझ घटा है। तो सर, मैं आपकी तथा शिक्षण विभाग की खूब खूब आभारी हूँ सर। आप दर्शना बहन यही रहती हो कि बाहर से आती हो? सर, मैं गिर सोमनाथ की हूँ, तापी में जॉब कर रही हूँ सर, केजीबीवी में। अच्छा, अब ये तो आपका गांव, एक आपका गांव आदिवासी इलाके में है सर, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है? सर, तापी की बात करूँ या अपनी? हाँ सर, कनेक्टिविटी अभी मिल पाती है। मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। कितने बच्चे हैं जो दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हैं? हमारे स्कूल में सर 94 बच्चे हैं, उन्होंने से हमने 70 बच्चों को दीक्षा पोर्टल यूज करने की प्रेरणा दी थी सर। दूसरे बच्चों को इसलिए वंचित रहे थे दीक्षा पोर्टल से कि सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुकरमुंडा तहसील है, वो एक ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ ऐसा रिमोट एरिया है कि जहाँ के पेरेंट्स को कई सारी बातें शिक्षा की पता नहीं चलती है सर, और उनके पास आपके स्कूल में टोटल टोटल कितने बच्चे आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? 94 सर। और सारी बेटियां हैं? हेलो सर, 94 बच्चे 6 to 8 में है, और 9 to 12 में 56 बच्चे हैं सर। अच्छा, और कौन बात करेगा मेरे से आगे? हाँ जी सर। हाँ सर, थैंक यू दर्शना बहन। अभी केजीबीवी की कक्षा 10वीं की छात्रा तन्वी बहन से मैं अनुरोध करूंगा, अपना परिचय दे। तन्वी बहन। नमस्कार प्रधानमंत्री साहेब श्री, मैं तन्वी वसावा, केजीबी उटावत, तालुका कुकरमुंडा, डिस्ट्रिक्ट तापी से कक्षा 10वीं की छात्रा बोल रही हूँ। बताइए अपना अनुभव, आज तुम्हें क्या बताया गया था, क्या क्या बोलना है प्रधानमंत्री जी के सामने? सिखाया होगा ना टीचर ने, 3 दिन से प्रैक्टिस चलती होगी, ये बोलना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा हुआ होगा ना? 10 लोगों को सिखाया होगा, उसमें से एक को क्या कहा होगा, जाइए जी सर। हाँ बताइए सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ सर। तो ये तुम दीक्षा पोर्टल पे जाके सारी चीजें देखती हो क्या? हाँ सर। तो तुम्हें बार साइंस कहाँ करोगी? कुकरमुंडा में। अच्छा, कुकरमुंडा में है 12th साइंस? हाँ सर। तुम्हें मालूम है ना, पहले पूरे आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी 2002 तक, और बाद में हमने अभियान चलाया तब जाकर के साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनी वहाँ, तो आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आपके यहाँ से कोई डॉक्टर बने हैं क्या, कुकरमुंडा से? जी सर। तो तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर बनना है? नहीं सर, रुक्मणी दीदी है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई में किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि लेती हो? साइंस में सर। साइंस में लेती हो, तो ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से ज्यादा लाभ होता है कि साहब अगर क्लास में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है? टेक्नोलॉजी से भी और साहब क्लास में पढ़ाते हैं उससे भी। अच्छा, साहब को संभालना पड़ेगा है, अगर तो
कहोगे टेक्नोलॉजी से मजा आता है तो साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं सर। हाँ हाँ डर लग रहा है। पहले पढ़ाते हैं फिर हम टेक्नोलॉजी पे वीडियो देख के सीखते हैं। अच्छा बैठिए। थैंक यू सर।